जीनियस। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको कोई भी पांच जीनियस का नाम बताना है तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, बट आई एम वेरी श्योर जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ उनका नाम आपके लिस्ट में नहीं होगा। वैसे आपने थंबनेल में उनका फोटो देख लिया है, जिनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस दुख इस बात का है कि इस इंडियन के बारे में, इस बिहारी के बारे में ज़्यादातर इंडियंस नहीं जानते हैं। अब इसे मैं सक्सेस स्टोरी कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ इनकी लाइफ को, आई डोंट नो, बट जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत E=mc² को चैलेंज किया था, जिन्होंने नासा में भी काम किया था, और नासा का एक बहुत ही फेमस और बड़ा इंसिडेंट है जो पूरी दुनिया जानती है कि अपोलो के लॉन्चिंग के वक्त करीबन 30 कंप्यूटर ख़राब हो गए थे, तब इनके कैलकुलेशंस के आधार पर वो काम आगे बढ़ाया गया था। और कुछ दिनों के बाद पता चला था कि इनके कैलकुलेशन का रिजल्ट और कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन का रिजल्ट एक था। अब अंदाज़ा लगाए कि ऐसे जीनियस का फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन इस केस में आपका अंदाज़ा डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो आगे का वीडियो देखने से पहले अपने दिल और दिमाग को थाम लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंख में से आंसू निकल आए। तो शुरू करते हैं। बिहार, बिहार का भोजपुर जिला और भोजपुर जिले का बसंतपुर गांव पटना से करीबन 60 किलोमीटर दूर है ये गांव। वहां पर 2 अप्रैल 1942 को एक लड़के का जन्म होता है एक गरीब परिवार में। लड़के का नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कल उठ के ये लड़का पूरी दुनिया में क्या कमाल दिखाने वाला है। पढ़ाई शुरू होती है, उनके बचपन के दोस्त कहते हैं कि उनको पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। इनको मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव था। नेत्रहाट विद्यालय में ये पढ़ते थे और वहीं से मैट्रिक की एग्ज़ाम पास की और पूरे बिहार में टॉप किया। पटना साइंस कॉलेज से इंटर की एग्ज़ाम पास की और उस वक्त भी बिहार में अव्वल रहे। इनके टीचर्स के लिए ये लड़का एक पहेली के समान था। वो सोचते थे कि इतना फास्ट कोई कैसे सब कुछ सीख सकता है। एक्चुअली वशिष्ठ के लिए हमारा जो सिलेबस है वो सब कुछ बाय हाथ का खेल था। पटना यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने बहुत सारे कमाल दिखाए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के लड़के के लिए ये जो पीएचडी है बहुत ही छोटी चीज़ थी। जब पाँचवीं में थे ये भाई साहब तब 11वीं के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जब 11वीं में आए तो ऑनर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। टीचर्स को भी कभी कभी कहते थे कि सर आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। टीचर्स उनको कहते थे कि अच्छा ऐसा है तो आप आगे पढ़ा लो। तब ये भाई साहब उस फॉर्मूला को एक तरीके से नहीं, 4 से 5 तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाते थे। 19 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी करने का रिकॉर्ड बनाया है और इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी को अपने नियम तक बदलने पड़े थे। उसी टाइम अमेरिका के बर्किले कॉलेज से बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन प्रोफेसर कैली आए हुए थे। प्रोफेसर कैली वशिष्ठ नारायण से मिलकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। उन्होंने हीरे को परख लिया था। उन्होंने वशिष्ठ को कहा कि आप हमारे साथ अमेरिका चलो। वशिष्ठ नारायण ने कहा कि नहीं सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन प्रोफेसर कैली ने सारा अरेंजमेंट किया, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ, लेकिन उनको साथ में लेकर ही गए। वशिष्ठ के लिए ये जो कैली है एक तरीके से एंजल बनकर आए थे, जैसे कि मानो कि उनको बोला हो कि जाओ और इस बंदे को यहाँ से लेके जाओ, ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ पर उनके लेवल का कुछ काम होता हो। वशिष्ठ नारायण सिंह अब बर्किले की गलियों में घूमने लगे थे। उनके साथ था उनका ब्रिलियंट दिमाग और उनके रिसर्च। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते करते इन्होंने वॉशिंगटन में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के पद पर भी काम किया। नासा में भी इन्होंने काम किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द वेरी फेमस अपोलो के लॉन्चिंग के वक्त कुछ कंप्यूटर्स खराब हो गए थे, तब इनके दिमाग के कैलकुलेशन के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाया गया था। और कुछ दिनों के बाद पता चला था कि इनके दिमाग के कैलकुलेशन के रिजल्ट और वो इतने सारे कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन के रिजल्ट एक ही है। उस वक्त नासा भी डर गया था कि ये हिंदुस्तानी ओवर ब्रिलियंट है, और उसी टाइम इनकी चर्चा पूरे दुनिया में होने लगी थी। यहाँ पर बिहार बड़ा ही खुश था। बहुत टाइम के बाद एक ऐसा नाम सामने आया था जिसके नाम को लेके कह सके कि ये हमारे देश से है, हमारे बिहार से है। और उस तरफ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की जो अचीवमेंट्स है वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी, और उनको प्यार हो गया था प्रोफेसर कैली की लड़की से। अब आएगा पहला ट्विस्ट। यहाँ हिंदुस्तान में उनके लिए रिश्ते आने लगे थे। जब डॉक्टर वशिष्ठ नारायण हिंदुस्तान आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ रेडी है, मंडप भी रेडी है। वो अग्नि को देखते रह गए। उन्होंने सबके सामने देखा, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने भी
इसके बारे में इनको नहीं बताया था और इन्होंने भी अपने बारे में किसी को नहीं बताया। अपने प्यार के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सपनों के बारे में वो अपने पिता से भी बात नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम वो भी बहुत ही खुश थे। सेक्रीफाइस की बातें करते हैं हम लोग, हमको पता भी है कि सेक्रीफाइस होता क्या है। ये है सेक्रीफाइस। कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ये डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा के लिए अब हिंदुस्तान में ही रहेंगे। कैली ने इनको बहुत रोका था लेकिन ये नहीं माने थे। वैसे और भी कई सारे रीजंस माने जाते हैं। माना ये भी जाता है कि नासा ने इनसे सेफ डिस्टेंस रखने के लिए पूरे प्लानिंग के साथ इनको मेंटली अनफिट करार दे के हिंदुस्तान भेज दिया था। मे बी नॉट, वी डोंट नो, उनको पता होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि वो हिंदुस्तान आ गए थे हमेशा के लिए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इन्होंने IIT कानपुर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ISI कोलकाता में काम किया। यहाँ से उनकी ज़िंदगी ने एक नई करवट ली। जिंदगी का यू टर्न शुरू हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था, वो अंदर ही अंदर टूटने लगे थे, वो खुद से ही दूर होने लगे थे। उनको यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी हो गई थी। उन्होंने कई बार अपने भाई से उस वक्त में कहा था कि जहाँ पर वो काम करते वहाँ पर कुछ लोग उनके रिसर्च को अपने नाम से छपवा लेते हैं और इस बात से वो बहुत ही परेशान है। अब डॉक्टर वशिष्ठ की ज़िंदगी का एक अलग ही दौर शुरू हो चुका था। यहाँ पर जब उनको उनकी पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम वो उनको छोड़कर चली गई। उनके डिवोर्स के बाद वशिष्ठ बाबू बहुत ज़्यादा टूट गए थे। उनकी जो बीमारी थी वो लगातार बढ़ रही थी। उनको रांची के मानसिक अस्पताल में एडमिट किया गया था लेकिन उनकी हेल्थ में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। और दुख की बात तो ये है कि उस वक्त सरकार ने भी कोई खास मदद नहीं की, कोई खास ख्याल नहीं रखा। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी के उजाले पूरी दुनिया में फैल रहे थे, वो अब अंधेरे में डूबता जा रहा था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ उनकी ज़िंदगी में हो रही थी जो उनको और ज़्यादा तोड़ रही थी। उसके कुछ वक्त के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के वक्त डॉक्टर वशिष्ठ नारायण अपने गांव गए। आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब तो थी ही, लेकिन अब और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके इलाज के लिए उनके छोटे भाई उनको ट्रेन में पुणे लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही वशिष्ठ बाबू कहीं पर उतर गए और गायब हो गए। घर वालों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले और खुद वापस भी नहीं आए। लेकिन उनकी जगह पर खड़े रह के देखो यार, जब पहले दुनिया ने, फिर कॉलेज ने, फिर देश ने, फिर घर वालों ने ही उनको पागल समझ लिया है तो पागल ही सही। और किसके लिए वापस आते? कॉलेज के उन बच्चों के लिए जिनको उन्होंने सिखाया, ट्रेन किया, पढ़ाया और ऐसी हालत में कोई पूछने तक नहीं आया। उस देश के लिए जिसका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और ऐसे वक्त में देश उनके साथ में खड़ा नहीं रहा, अरे छोटी सी मदद नहीं कर पाया यार। उस बीवी के लिए जिसके लिए पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस की, अपने सपने सेक्रीफाइस किए, इतने सालों की मेहनत सेक्रीफाइस की, अरे अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया और ऐसे हालत में वो उनको छोड़कर चली गई, डिवोर्स दे दिया। और उस बाप के लिए जिसकी खुशी के लिए उनके हर फैसले को हाँ बोला, कभी भी सवाल नहीं उठाया और वो तो दुनिया ही छोड़कर चले गए थे, तो किसके लिए वापस आते? काफी सालों तक उनका कोई अता पता नहीं था। जरा सोच के देखो यार, कोई इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करता है अपने खुद के दम पर, ऐसी छोटी जगह से बिलोंग करके अपने नॉलेज के दम पर वहां तक पहुंचता है, वहां पहुंच के पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करता है। उसकी जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है जहां पर वो अकेला भटक रहा है, वो भी इस मानसिक बीमारी के साथ। और एट द सेम टाइम अमेरिका में उनकी थीसिस के बारे में बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं। काफी सालों के बाद वो मिलते हैं बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही गंदे फटे हुए कपड़ों के साथ, दाढ़ी बढ़ गई होती है, आंखों में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती। मैं आपको उनका फोटो जरूर दिखाना चाहूंगा। ये उनका फोटो है। उनके चेहरे को ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें अगर आप पढ़ सकते हो तो। ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिस्पेक्ट। ये हम सबसे कहना चाहते हैं। ये जो बीमारी है सिज़ोफ्रेनिया, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी बीमारी है, कभी इंसान ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों को हुई है, लेकिन उनके देश ने उनका ख्याल रखा है, उनके लोगों ने उनका ख्याल रखा है और वो लोग ठीक हुए हैं, फिर से वापस वैसे हो गए हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, नेगेटिव भी लगे, लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है जो लोग बाहर चले जाते हैं हिंदुस्तान से काम करने के लिए, कि लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? अगर इतना टैलेंट है तो हमारे देश में क्यों टैलेंट रहता क्यों नहीं है, टिकता क्यों नहीं है? बाहर जाके क्यों काम करते हो? अपने देश में सेवा करो। उन सब के लिए ये जवाब है, ऐसा क्यों होता है। एनीवे, बाद में उनको बेंगलुरु की निमहांस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि या तो इनको अमेरिका लेके जाओ या तो फिर पारिवारिक माहौल में रखो। फिर से वही इशू, फाइनेंशियल इशू। इनको उनके गाँव ले जाया गया अपने घर पर। यहाँ पर इनका साथी है एक पेन और एक किताब।
वो आज भी फॉर्मूलाज को सॉल्व करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, मिटाते हैं, अकेले अकेले बातें करते हैं, और जब कोई पूछता है कि क्या करते हो तो कहते हैं पढ़ाते हैं हम यहाँ पर रिसर्च करके पढ़ाते हैं। हमारे देश में बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है, क्रिकेटर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर बायोपिक्स बन रही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में सोचने का किसी के पास वक्त नहीं है। और ये तो फ़ायदा है ना, लोग हमारे देश का यूथ इनको जानेगा, इनको रिस्पेक्ट मिलेगी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके जो भी थॉट्स हैं आप हमको कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग डिटेल्स। कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो चले फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।